टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग। अब आपका चैप्टर चल रहा है द इन्वेंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिशन। अब आपका लास्ट के पैराग्राफ रह गए, वो आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है? ओके, हाँ चलिए, अब आपका पैराग्राफ चलेगा द नेक्स्ट 5 ईयर से लेकर ऑन हार्ड वर्क तक, ठीक है? चलिए इसके पहले मीनिंग नोट कर लेते हैं। शॉर्ट माने थोड़ा, स्टेइंग माने रुका हुआ, डेप्थ माने कर्जे, इम्प्रूव माने सुधारा, सीरीज माने श्रृंखला, फॉलोड माने एक के बाद एक आती गई, फेम माने ख्याति, रिप्रोड्यूस माने फिर से उत्पन्न करना, वॉइस माने मनुष्य की वाणी, एक्चुअली माने वास्तव में, प्रॉस्पेरस माने धनमान, इनकरेजमेंट माने प्रोत्साहन, ठीक है? चलिए अब पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट 5 ईयर्स एडिशन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट। चलिए पैराग्राफ को क्लियर कर लेते हैं। अगले 5 वर्षों में एडिशन ने भिन्न भिन्न शहरों में काम किया। उसने पुस्तकालयों का सदुपयोग किया तथा फैक्ट्रियों और कारखानों में विशेषज्ञों से मिला। उसने उन लोगों से प्रश्न पूछे, उनसे बहुत कुछ सीखा तथा अपने प्रयोगों पर और अधिक परिश्रम किया। चलिए आगे का पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन द कंपनी देयर इन द कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एडिशन वाज देयर एट द टाइम। ही हैड इट लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम ए जॉब, गुड जॉब। एडिशन पेड ऑफ इट डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। देखिए अब सेकंड पैराग्राफ से। इस युवक के दौरान वह थोड़े से समय के लिए बेरोजगार था और उस अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। वह युवक वहाँ एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में उन लोगों के पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन वह मशीन एकाएक रुक गई। उस दिन एडिशन वहीं पर था। उसने मशीन पर एक नज़र डाली और ज़रा से समय में उसकी मरम्मत कर दी। कंपनी के मैनेजर ने एडिशन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिशन ने अपने कर्जे चुका दिए तथा अपनी प्रयोगशाला को सुधारा। चलिए आगे का पैराग्राफ देखिए। द नेक्स्ट 6 ईयर एडिशन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिशन अर्न मोर फेम द मनी। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। इट वाज देन कॉल्ड ए टॉकिंग मशीन, बी कॉल्ड इट द ग्रामोफोन। नाउ द सेम ईयर ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। That is the name of the house where the President of the United States of America lives. Edison went there to show his new machine to the President. This made him famous all over America. Now he was successful and prosperous. He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. अगले 6 वर्षों में एडिशन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना डाली। एक के बाद एक आविष्कार जल्दी जल्दी आते गए और एडिशन ने अपने प्रसिद्धि व धन का अर्जन किया। सन 1877 में वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था जो आदमी की आवाज़ को फिर से उत्पन्न कर सकती थी। अगले वर्ष उसने वह वास्तव में बना ही दी।
उसे तब बोलने वाली मशीन कहा गया, उसे हम ग्रामोफोन कहते हैं। उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। यह उस भवन का नाम है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए एडिशन वहाँ गया। इस बात ने उसे सारे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। अब वह सफल और खुशहाल था। वह मानता था कि इस सब के पीछे उसकी माँ की सहायता, उसका बढ़ावा हुआ उत्साह और स्वयं का कठोर परिश्रम था। दैट्स ऑल।